आउज़ब्ल बसम वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी दोस्तों आज की हमारी वीडियो है एवरीडे साइंस पार्ट थ्री तो चलिए ये देखते हैं कि पिछले दो पार्ट्स में हमने कौन कौन से टॉपिक क्लियर किए थे और आज की वीडियो में हम कौन सा क्या टॉपिक क्लियर करेंगे तो पहली वीडियो में हमने पहले दो टॉपिक्स क्लियर किए थे और आज की वीडियो में हम अर्थ एंड एटमासफेयर एम सी क्यूज़ क्लियर करेंगे इन दोस्तों अगर किसी ने भी पहले की दो वीडियोज़ या दोनों टॉपिक्स नहीं देखे तो दोनों वीडियोस पहले वो भी जाके देख लें ताकि आप लोगों को इसकी मुकम्मल से शुरू से समझ आ सके तो हमारा पहला एम सिक्यूज़ है आज का मास ऑफ अर्थ इज़ ज़मीन का वजन कितना है तो करेक्ट ऑप्शन है ए फाइव पॉइंट नाइन सेवन टू मल्टीप्लाई टेन की पावर ट्वेंटी फोर किलोग्राम सेकेंड एम सिक्यूज़ है हमारे पास वाट इज़ डायमीटर ऑफ अर्थ अर्थ का डायमीटर क्या है तो करेक्ट ऑप्शन है ए बारह हजार सात सौ बयालीस किलोमीटर चूँकि रेडियस डायमीटर के हाफ होता है तो इसका रेडियस होगा छः हजार तीन सौ इकहत्तर किलोमीटर थर्ड एम सी क्यूज है हमारे पास हु वाज द फर्स्ट टू मेजर द अर्थ रेडियस यानी ज़मीन का रेडियस सबसे पहले किसने ना पाता तो करेक्ट ऑप्शन है डी नेक्स्ट है सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ अर्थ का सरकमफेरेंस कितना है ठीक है तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ए चालीस हजार पचहत्तर किलोमीटर नेक्स्ट है अर्थ इज जमीन कैसी है या जमीन का शेप क्या है तो करेक्ट ऑप्शन है बी परफेक्ट स्फेयर अर्थ है परफेक्ट स्फेयर नेक्स्ट हमसे क्यूज है हु प्रोवाइडेड प्रूफ टू सजेस्ट दैट द अर्थ वाज़ स्फेरिकल किसने यह सबूत पेश किया था कि जमीन जो है वो स्फेरिकल है तो करेक्ट ऑप्शन है सी फर्डनैंड मैगेलन। सेवेंथ हम सिक्यूज है हमारे पास स्टडी ऑफ द अर्थ एंड इट्स फीचर इज नॉन हैज़। जमीन और उसकी खसूसियात के बारे में मुताला क्या कहलाता है तो करेक्ट ऑप्शन है बी जियोग्राफी नेक्स्ट हेम सिक्यूज है हाउ मैनी लेयर डज द अर्थ हैव जमीन की कितनी लेयर्स हैं तो करेक्ट ऑप्शन है सी थ्री लेयर्स ऊपर वाले को क्रस्ट कहते हैं बीच वाले को मेंटल कहते हैं और बिल्कुल अंदर वाले को कोर कहते हैं नेक्स्ट है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड आउटर मोस्ट जो सबसे बाहर वाला जो लेयर है जमीन का उसको क्या कहते हैं मैंने पहले बताया करेक्ट ऑप्शन है ए क्रस्ट नेक्स्ट है द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज जमीन का सबसे अंदरूनी यानी सबसे अंदर वाला जो लेयर है उसको क्या कहते हैं करेक्ट ऑप्शन है सी कोर नेक्स्ट है कोर ऑफ द अर्थ आर कॉल नाइफ बिकॉज दीज कंसिस्ट ऑफ यानी कोर ऑफ अर्थ को नाइफ कहते हैं क्यों क्योंकि ये मुश्तमिल होते हैं निकल एंड पर नेक्स्ट है दी थेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज जमीन का सबसे मोटा लेयर कौन सा होता है यानी तीन लेयर में से सबसे मोटा लेयर कौन सा होता है जो बीच वाला होता है मेंटल जिसे कहते हैं करेक्ट ऑप्शन है डी नेक्स्ट है हाईएस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ जमीन का सबसे ऊंचा पार्ट या हिस्सा कौन सा है तो करेक्ट ऑप्शन है ए माउंट एवरेस्ट जो जमीन का सबसे ऊंचा ऊंचाई वाला हिस्सा है नेक्स्ट है द लोएस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज जमीन का सबसे निचला हिस्सा या नीचे वाला हिस्सा कौन सा है तो करेक्ट ऑप्शन है ए डेड सी नेक्स्ट है एज ऑफ अर्थ इज जमीन की एज क्या है या उम्र क्या है ज़मीन की एज है फोर पॉइंट फाइव बिलियन ईयर्स करेक्ट ऑप्शन है ए नेक्स्ट है इन वट डायरेक्शन अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस यानी जमीन अपने एक्सिस पर किस डायरेक्शन में घूमती है तो करेक्ट ऑप्शन है बी वेस्ट टू ईस्ट नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज जमीन का कशिश शकल कितना है तो करेक्ट ऑप्शन है ए नाइन पॉइंट एट जीरो मीटर फी सेकेंड स्क्वायर। मीटर फी सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की नेक्स्ट है डे एंड नाइट आर द रिजल्ट ऑफ दिन और रात किस चीज के रिजल्ट है या किस चीज की वजह से होते हैं तो करेक्ट ऑप्शन है ए अर्थ रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस नेक्स्ट है विच इज थिनेस्ट अर्थ लेयर जमीन का सबसे पतला लेयर कौन सा है यानी सबसे मोटा तो मेंटल हो गया सबसे पतला कौन सा है सी क्रस्ट नेक्स्ट हमसे क्यों यूज हैं विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द वेरियस लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर फ्रॉम द अर्थ सर्फेस यानी जमीन के सर्फेस से जो एटमोसफेयरिक लेयर का जो जो सीक्वेंस है वो किस तरह है तो करेक्ट ऑप्शन है सी नेक्स्ट है द एटमॉस्फेरिक लेयर लाइज क्लोजली टू द अर्थ सर्फेस इज नॉन हैज वो एटमोसफेयरिक लेयर जो कि जमीन के सबसे क्लोज होता है जो सबसे जमीन के क्लोज होता है वो है सी ट्रोपोस्फेयर नेक्स्ट हमसे यूज है जो कि रेडियो अर्थ सर्फेस पे भेजती है तो करेक्ट ऑप्शन है डी लोनोफेयर नेक्स्ट है स्काई अपेयर ब्लू बिकॉज अर्थ एटमोस्फेयर ब्लैंक यानी आसमान ब्लू नीला दिखाई देता है क्यों क्योंकि जमीन का एटमोस्फेयर स्कैटर ब्लू लाइट वो ब्लू लाइट को स्केटर करता है नेक्स्ट है दी ओजोन लेयर इज एट हाई हाइट ऑफ ब्लैंक किलोमीटर फ्रॉम दी सरफेस ऑफ अर्थ तो करेक्ट ऑप्शन है बी यानी ओजोन लेयर कौन कितनी हाइट पर है जमीन से सतह जमीन से नेक्स्ट है ओजोन लेयर थिकनेस इज मेजर्ड इन ओजोन लेयर की मोटाई किस चीज़ में नापी जाती तो है तो करेक्ट ऑप्शन है डी डॉप्सन नेक्स्ट है इन विच लेयर ऑफ एटमॉसफेयर डज कमर्शल एयरक्राफ्ट यूजली फ्लाई यानी एटमॉसफेयर के कौन सी लेयर में एयरक्राफ्ट यानी ये हवाई जहाज उड़ते हैं तो करेक्ट ऑप्शन है ए स्टेटोस्फेयर नेक्स्ट हमसे क्यों यूज है दन इज एट एन एवरेज डिस्टेंस ऑफ अबाउट ब्लैंक मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अर्थ यानी सूरज जमीन से तकरीबन कितने मिलियन किलोमीटर्स दूर है तो करेक्ट ऑप्शन है बी एक सौ पचास मिलियन किलोमीटर नेक्स्ट है द दिपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज जमीन का सबसे गहरा लोवेस्ट नहीं ये फर्क करें लोवेस्ट नहीं लोवेस्ट जो है वो सी है, जो है, वो है मरीन Next है है लेकिन जो ट्रेंच नेक्स्ट मेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेट्रोलॉजी किस चीज की स्टडी है तो करेक्ट ऑप्शन है बी एटमोस्फेयर नेक्स्ट है द टाइम टेकन फॉर सनलाइट टू रीच दर्थ इज प्लेंग यानी सूरज की रोशनी कितना टाइम लेती है जमीन तक पहुंचने के लिए तो करेक्ट ऑप्शन है सी आठ मिनट ट्वेंटी सेकेंड नेक्स्ट है दर्थ रिवॉल्व अराउंड दन एट अस्पीड ऑफ यानी जमीन सूरज के गिर्द किस रफ्तार में घूमती है तो करेक्ट ऑप्शन है सी उनतीस किलोमीटर पर सेकेंड नेक्स्ट है जियोलॉजी डिस्क्राइब दी रॉकी पार्ट ऑफ द अर्थ यानी जियोलॉजी जो है वो जमीन का जो रॉकी पार्ट है जिसको हम कहते हैं क्रस्ट यानी सी ऑप्शन है इसमें उसको डिस्कस करता है डिस्क्राइब करता है नेक्स्ट है इनर कोर इज अर्थ सेंटर विद द डायमीटर ऑफ यानी इनर कोर जो है उसका जो कोर है अंदर वाला उसका डायमीटर कितना है डी बारह सौ मील नेक्स्ट हमसे क्यूज है विच लेयर प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ सन कौन सी लेयर जमीन को महफूज रखती है सूरज के हार्मफुल रेज से नुकसानदेह देशओं से तो करेक्ट ऑप्शन है बी ओजोन लेयर नेक्स्ट है विच फॉलोइंग दॉलोइंग फैनमिनाज एन एविडेंस फॉर द स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ यानी वो कौन सा फैनमिना है जो इस बात का सबूत देती है कि जमीन का शेप जो है वो स्फेरिकल है तो करेक्ट ऑप्शन है बी लोनर यानी चांद ग्रहण नेक्स्ट है ब्लैंक इज़ द लाइटेस्ट सब्सटांस ऑन द अर्थ यानी कौन सा जो है सबसे हल्का सब्सटांस है ज़मीन सतह ज़मीन पर यानी ज़मीन पर तो करेक्ट ऑप्शन है सी हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट यानी हल्का सबस्टांस है नेक्स्ट है विच एरिया ऑफ द विच एरिया ऑफ अर्थ रिसीव मोर अमाउंट ऑफ लाइट जमीन का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा लाइट रिसीव करता है उस पर सबसे ज़्यादा लाइट पड़ती है तो करेक्ट ऑप्शन है डी इक्वेटर नेक्स्ट है वट इज दर्सेंटेज ऑफ साल्ट वाटर ऑन दर्थ सरफेस यानी ज़मीन की सतह पर साल्ट यानी नमकीन नमकीन पानी का परसेंटेज कितना है तो करेक्ट ऑप्शन है डी सतानवे परसेंट यानी तीन परसेंट सिर्फ पीने का साफ पानी है नेक्स्ट है अर्थ हैज़ एन इक्वेटरियल सरकम्फ्रेंस ऑफ ब्लैंक यानी ज़मीन का इक्वेटर सरकम्फ्रेंस कितना है अगर इसके इक्वेटर पे हम इसका सरकम्फ्रेंस मालूम करें तो वो कितना होगा ट्वेंटी फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड टू माइल्स नेक्स्ट है द बॉडी गार्ड ऑफ द अर्थ इज़ अ ब्लैंक दैट सेव द अर्थ फ्राम मनी कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉयस यानी ज़मीन का वो कौन सा बॉडी गार्ड यानी सियारा है जो जमीन को कामट्स और एस्ट्रायड से बचाता है तो करेक्ट ऑप्शन है डी जुपिटर जो कि जमीन का बॉडी गार्ड है नेक्स्ट है द मोस्ट एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट इज जमीन के सतह पर यानी yani ज़मीन के क्रस्ट पर सबसे ज़्यादा कबाकसरत पाए जाने वाला एलिमेंट कौन सा है तो करेक्ट ऑप्शन है ए ऑक्सीजन नेक्स्ट है द मोस्ट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज यूनिवर्स में कायनात में सबसे ज्यादा बकसरत पाए जाने वाला एलिमेंट कौन सा है तो करेक्ट ऑप्शन है बी हाइड्रोजन नेक्स्ट हमसे क्यूज है विच इज द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द एटमोसफेयर यानी एटमोसफेयर में सबसे ज्यादा कसरत पाए जाने वाला एलिमेंट कौन सा है तो करेक्ट ऑप्शन है ए नाइट्रोजन नेक्स्ट है मोस्ट अपटल प्रेजेंट इन दर्थक्रस्ट इज यानी सबसे ज्यादा बकसत पाया जाने वाला मेटल यानी धात जमीनी सतह पर कौन सा है तो करेक्ट ऑप्शन है डी एलुमीनियम नेक्स्ट है विच ऑफ दिलीमेंट इज नॉट प्रजेंट अपटली इन दर्थक्रस्ट वो कौन सा एलिमेंट है जो जमीन पर बकसत पाया पाया नहीं जाता तो करेक्ट ऑप्शन है बी रेडियम नेक्स्ट है मून लाइट रीच टू दी अर्थ इन ब्लैक सेकेंड यानी जो चांद की रोशनी है वो जस्ते जमीन पर कितने टाइम में पहुंचती है तो करेक्ट ऑप्शन है 1.3 पॉइंट सेकेंड में नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून यानी चांद और जमीन के दरमियान फासला कितना है तो करेक्ट ऑप्शन है डी तीन लाख चौरासी हजार चार सौ किलोमीटर नेक्स्ट है दी अर्थ ब्लैक इज डिडेड इंटू फिफ्टीन मेजर प्लेट्स ऑफ वेरियस साइज ज़मीन का क्या है जो पंद्रह मुख्तलि यानी मेजर प्लेट्स में डिवाइड किया है मुख्तलिफ साइज़ के उसको क्या कहते हैं तो करेक्ट ऑप्शन है सी डिटोसफियर नेक्स्ट हमसे क्यूज है बॉर्डर लाइन विच सेपरेट आउटर स्पेस फ्राम अर्थ एटमासफेयर इज नोन हैज यानी वो कौन सा लाइन है जो कि ज़मीन का बाहरी हिस्सा एटमोसफेयर से अलग रखता है तो करेक्ट ऑप्शन है डी कार्मन लाइन आज की लास्ट एमसी क्यूज है लार्जेस्ट लेटीट्यूड सर्कल ऑन अर्थ इज जमीन पर सबसे बड़ा लैटीट्यूड सर्कल क्या है या इसको क्या कहते हैं तो करेक्ट ऑप्शन है डी द इक्वेटर तो दोस्तों इसके साथ हमारे आज के इस टॉपिक के एमसी क्यूज खत्म हो चुके हैं अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस करें मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज एंड बेस्ट ऑफ लक